कपकोट के आम आदमी पार्टी के संयोजक व व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह कपकोटी ने बच्चों की फीस माफ करने तथा बिजली के बिल माफ करने की मांग की है। इस आशय का एक ज्ञापन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण जनता की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है, ऐसे में सरकार को लोगों को राहत देने का काम करना होगा। ऐसा नहीं होने पर जनता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन भी कर सकती है। पेश है कपकोट से तनुज तिरवा की रिपोर्ट। समाज सेवक आम आदमी पार्टी संयोजक और मैं हमेशा ही निर्दलीय रहा, तो यहाँ पर एक निर्दलीय से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी है और पहाड़ में भी बनेगा। और यहाँ पर जो है लॉकडाउन के अंदर हम 3 महीना अंदर रहे सभी क्षेत्रवासी कपकोट से या पूरा उत्तराखंड की, और अंदर होगा मोदी सरकार त्रिवेंद्र सरकार ने बिजली पानी का बिल भी जमा नहीं होगा, बच्चों की भी जमा नहीं होगी। हमें सूचना मिली कि बिजली और पानी का बिल और बच्चों की फीस वसूली की जा रही है डरा धमका के, तो तत्पश्चात हम 29 तारीख को उपजिलाधिकारी महोदय को दिया। फिर उसके बाद जनहित में सूचना नहीं मिले तो हमने 8 तारीख को जनता दरबार लगाया अष्टम साहब के वहाँ, तो हमने यह बिजली पानी का बिल जमा नहीं करेंगे और बिजली की और बच्चों की भी जमा नहीं करेंगे, यह संविधान में पास किया गया है। आप देख रहे थे बागेश्वर की दिन भर की प्रमुख खबरें CCN के साथ। खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।